आगामी लोकसभा चुनावों को शांतिपूर्ण संपन्न कराने को लेकर पुलिस ने कमर कस ली है। पुलिस ने जनता में विश्वास कायम रखने और अराजक तत्वों को चेतावनी देने के उद्देश्य से पैदल फ्लैग मार्च निकाला। सीओ सदर रमेश चंद तिवारी ने आज रात पुलिस और केंद्रीय अर्धसैनिक बल के साथ वृंदावन के कई संवेदनशील क्षेत्रों में फ्लैग मार्च कर अराजक तत्वों को संदेश दिया। फ्लैग मार्च राधा निवास से प्रारंभ होकर नगर भ्रमण कर अनाज मंडी चुंगी चौराहा होते हुए कोतवाली पर संपन्न हुआ। फ्लैग मार्च से जहां असामाजिक तत्वों में हड़कंप मच गया, वहीं आम आदमी ने बड़ी संख्या में फोर्स देखकर राहत महसूस की। फ्लैग मार्च की अगुवाई सीओ रमेश चंद्र तिवारी ने की। फ्लैग मार्च में कोतवाली प्रभारी संजीव कुमार दुबे सहित कई चौकी प्रभारी और पुलिस के जवान शामिल रहे। जी सर, आज फ्लैग मार्च किया गया है, कहां से शुरू किया? केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के साथ वृंदावन क्षेत्र पे जो भी वन लेवल पोलिंग बूथ थे और वैसे भी जिन पे सुनरक, गोपालगढ़, राजपुर, राधा निवास, चौमुहा, बाटी, अजही, धौरेला आदि जगहों पर अर्धसैनिक बलों के साथ फ्लैग मार्च किया गया है, रूट मार्च किया गया, जिससे कि चुनाव पे जो अराजक तत्व हैं उनको हो कि पुलिस पूरी तरीके से सतर्क है और आप लोग निष्पक्ष और निर्भीक होकर मतदान करें।